लेकिन इन अपराधियों को छपारा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए 24 घंटे में अंधे हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिस पर आज प्रेस वार्ता करते हुए एसडीओपी लखनादौन आरएन परतेती ने छपारा थाना प्रभारी और पुलिस टीम की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई। जानकारी के अनुसार बीते दिनों शत विशत स्थिति में एक शव राष्ट्रीय राजमार्ग बेनगंगा नदी के ब्रिज के नीचे मिला था, जिसको तेज धार दार हथियार से मारा गया था और मृतक की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के चेहरे को पेट्रोल से जला दिया। छपारा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला कायम कर आरोपियों की पताशाजी के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए संदेह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। लखनादौन एसडीओपी आरएन परतेती ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नरसिंहपुर निवासी इरफान के रूप में बताई गई है कि वे पेशे से ड्राइवर था, जिसकी पत्नी के अवैध संबंध नरसिंहपुर के ब्रजेश चौबे से बन गए थे, जिसकी भनक लगने के बाद मृतक व आरोपी के बीच विवाद हुआ। आरोपी ब्रजेश चौबे की हत्या की योजना बनाकर इरफान को जिस गाड़ी में बैठा कर लाया, उसको बैनगंगा नदी ब्रिज के समीप लाकर हत्या कर फेंक दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को यहां लाकर फेंका। राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार समेत हत्या में उपयोग गाड़ियों को जब्त कर हत्या में शामिल दो आरोपियों ब्रजेश चौबे व भरत सिंह को जेल भेज दिया है। मोहम्मद उर्फ गब्बर मुसलमान, जो नरसिंहपुर कंदेली का निवासी है, उसी आधार पर थाना प्रभारी छपारा और टीम के द्वारा नरसिंहपुर में कैंप करके प्रकरण की विवेचना की गई। जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी का ब्रजेश चौबे के साथ अवैध संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, इसी लाइन में जो है विवेचना जारी रखी गई एवं ब्रजेश को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिन्होंने पूरी घटने स्वीकार किया। दिनांक 15/9/2020 को अपनी स्वयं की गाड़ी से मृतक को लेके आ रहा था, जो सिंहपुर के पास गाड़ी ख़राब होने से एजेंट से दूसरी गाड़ी सिंहपुर बुलवाया और उस गाड़ी में अपने साथी बबलू के साथ मृतक को हर रही होते हुए छपारा रास्ते से जो है पेट्रोल एवं घटना में उपयुक्त किया गया हसिया रास्ते से लेकर और अंधेले में छपारा पहुंचकर और ब्रिज के पास ले जाकर धारदार हथियार हसिया से उसकी हत्या किया और पेट्रोल जो रास्ते में खरीदा था वो डालकर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद बबलू के साथ ये जो है छपारा से लखनादौन होते हुए नरसिंहपुर पहुंच गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनसे आला जरार जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा कोई अन्य आरोपी है? अभी अन्य आरोपी अभी प्रकरण विवेचना में है। थाना प्रभारी नीलेश परतेती एवं थाना छपारा का स्टाफ के द्वारा लगातार शव मिलने के बाद कैंप कर विवेचना कर और सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है, वो बधाई के पात्र हैं। सर, आरोपी ने यहाँ लाकर ही फेंकना क्यों समझा, क्या पूछताछ में बताया? नहीं, वो इसलिए बताया कि ये हाईवे है और यहाँ से प्रतिदिन इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, जो पुलिस का ध्यान नरसिंहपुर उस तरफ नहीं जाएगा और ये जो है शिवनी छिंदवाड़ा जबलपुर इसी मार्ग में जो आरोपियों की तलाश करते रहेंगे, इस कारण से ये स्थान उसके द्वारा चुना गया और साक्ष्य मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया, वो तो उनका दुर्भाग्य है कि। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।